जम्मू और कश्मीर रे सुरक्षा बल को बड़ सफलता एका संगे दुई जन आतंकवादी को एनकाउंटर करिछंती जवान। काश्मीर अनंतनाग कोकेरनाग अंचल रे प्रबल गुली माड़ होइतिला। प्राय 4 घंटा रु अधिक समय धरी जवान एवं आतंकवादी को मध्य रे संघर्ष होइतिला। आज सकाळु कोकेरनाग अंचल रे आतंकवादी लुची रहितबा खबर पाइतिला सुरक्षा बाहिनी। यहा परे अंचल रे सर्च ऑपरेशन आरंभ होइतिला। तेबे जवान को देखी आतंकित आक्रमण करथिले लुचि रहितबा आतंकवादी। तेबे एबे भी जणे आतंकवादी लुचि रहितबा खबर मिलिछि। घटना परे अंचल रे सर्च ऑपरेशन को जोरदार करा जायछि। जिल्लार समस्त सीमा को सील करा जायछि। बकरी ईद दिन दुई जण पुलिस अधिकारी को हत्या करथिले आतंकवादी। यहा परे आतंकी को कड़ा जवाब देछथि सुरक्षा बल। 4 बजे से है स्टार्ट ये और अभी चल ही रहा है। कॉर्डन कर रखे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी गई है और डीआईजी साहब भी जा रखे हैं। केरल बन्या विपन्नों पर विदेशी सहायता नहीं एबे भी असहमति। केरल सरकार अधिक आर्थिक सहायता दावी करछंती। सेपटे केरल को 600 कोटी टंका आगुआ सहायता दिया जाइतिबा केन्द्र सरकार घोषणा करछंती। आगामी दिन में मंत्रिस्तरीय टीम केरल गस्त कर क्षय क्षतिर आकलन करबा परे अधिक अर्थ जोगाई देबे। सेपटे एनडीएमए रिपोर्ट अनुजाई केरल बन्यारे 387 जनक मृत्यु होइतिबा सूचना मिलिछि। 3083 रिलीफ कैंप 11,35,626 जन आश्रय नेतिबा एनडीएमए पक्षर घोषणा करा जायछि। प्रतिरक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कर्णाटक कोडागु जिलार क्षतिग्रस्त अंचल बुली देखिछंती। एथसहित वरिष्ठ अधिकारी सहित क्षयक्षति संपर्क में आलोचना करछंती। लगाण वर्षा पर कोडागु जिले में व्यापक क्षयक्षति होता। विभिन्न स्थान में भूस्खलन जोगु यातायात पूरा ठप हो जाता। एवं भी अनेक अंचल को गाड़ी चलाचल स्वाभाविक हो पारिना। कोडागु जिलार प्राय 123 किलोमीटर रास्ता नष्ट हो जाता प्रशासन पक्षर क। मध्यप्रदेश में ट्राफिक उल्लंघन करुवा जन व्यक्ति दादागिरी। विधानसभा परिसर बाहर पुलिस पक्षर नियमित चेकिंग करा बेले जन ट्राफिक नियम उल्लंघन करापड़ा। पर पुलिस पचराउचरा करुवा बेले से निजक मुख्यमंत्री भिणोई बोली परिचय दे से धमक देते। एपरिक संपर्क में मुख्यमंत्री को पचारिबा को से बारंबार दोहर। ट्राफिक उल्लंघनकारी एभली आचरण पर ट्राफिक समस्या सृष्टि होता। सेपटे आईन अनुजाई कार्यानुषान बोली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते। हमने बहुत से लोग पुलिस के ऐसे लोगों को कार्रवाई पुलिस को बद्रीनाथ अभिमुखे अटल बिहारी वाजपेयी चिताभस्म। विराट पटुआर बीजेपी हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्यालय बद्रीनाथ अभिमुखे नि पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चिताभस्म। आज बद्रीनाथ में चिताभस्म को विसर्जन हो। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अस्थि कलश शोभा बहु बीजेपी कर्मी और नेता सामिल होते। बद्रीनाथ जी के पंडा समाज वहाँ के जितने भी वेदपाठी लोग हैं और जितने भी ब्राह्मण हैं वहाँ के दुकानदार हैं और वहाँ के गांव के लोग हैं। वो हमारा ट्राइबल एरिया का गांव जो माणा गांव है अंतिम भारत का गांव वहाँ के लोग भी श्रद्धांजलि देने आएंगे और पूरे रीति रिवाज के अनुसार वैदिक रीतियों के अनुसार ही हम लोग अस्थियों का विसर्जन करेंगे। ये माना जाता है कि कोई भोले भटके भी अगर मोक्ष धाम में आ जाता है, बद्रीनाथ जी को पृथ्वी का मोक्ष धाम कहा गया है, तो वो उसका जीवन सफल हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। उन्होंने जहां एक और राष्ट्रीयता लोकतंत्र गांधीवादी समाजवाद और उसके साथ साथ मूल्यों पर आधारित राजनीति को उन्होंने जिया है, वो अपने आप में एक अद्भुत है। आज 125 करोड़ की जनता उनको जननेता के रूप में स्वीकार कर चुकी है और अपने पूरे जीवन में उन्होंने अपने उन आदर्शों के आधार पर जनता के दिल में वास करना प्रारंभ किया था। यह अवसर जनता को है कि जनता आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसी उद्देश्य को लेकर के हम उस महातीर्थ में उस धाम में जा रहे हैं। सेभली उत्तर प्रदेश राज्य बीजेपी मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी चिताभस्म को विभिन्न नदी में विसर्जन हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही शोभा सामिल होते। राज्य मुख्यालय दलीय नेता और कर्मी भिड़ देखा मिलता। यहाँ से पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडलों में सरकार की ओर से कोई माननीय मंत्री, संगठन की ओर से कोई पदाधिकारी की अगुवाई में यहां से प्रस्थान करेंगे। अभी वही रवानगी के लिए हम सब लोग आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और सब लोग यहां इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पूरा जो प्रमुख लोग यहां पर लखनऊ में हैं सब रहेंगे।
हरियाणा सानीपथ्रे रेप पार्टी चलता बेले पुलिस चढ़ाऊ 150 रु अधिक युवक युवती अटक रखी पुलिस सानीपथ्र अंजानी गेस्ट हाउस चतुर्थ महलार ए रेप पार्टी चलता सूचना पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंच युवक युवती अटक रखी या सहित विपुल परिमाण विदेशी मद और निशा द्रव्य जबत कर पुलिस पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी को सुप्रीम कोर्टर आश्वस्ति पंचायत निर्वाचन को नहीं कोलकाता हाइकोर्ट को राय को बदलाइले सुप्रीम कोर्ट या सहित 34% सीट रो फलाफल घोषणा करने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश देते सुप्रीम कोर्ट ए पंचायत गुड़िक आउथरी निर्वाचन नक भी सुप्रीम कोर्ट निर्देश देते ए 34% सीट्रे तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी निर्द्वंद्व निर्वाचित होते हाइकोर्ट द्वारस्थ होते विरोधी ऑलमोस्ट मोर देन वन थर्ड जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो पाया बिकॉज कोई इलेक्शन कोई नॉमिनेशन ही फाइल नहीं कर पाया दे आर प्रिवेंटेड बाय द रूलिंग पार्टी उस जगह पे इलेक्शन डिक्लेयर होने का बाद विद इन रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा अभी विद इन 30 डेज इलेक्शन पिटिशन फाइल होगा बिफोर द इलेक्शन ट्राइब्यूनल एज पर द लॉ यही सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है लेकिन रूपरेखा बदल जाएगा लेकिन वर्चुअली वो सीट्स में दोबारा इलेक्शन की बराबरी बात बन जाएगा थ्रू लिटिगेशन थ्रू ट्राइब्यूनल क्योंकि कोई भी सीट अनकंटेस्टेड नहीं जीत पाएगा। एशियन गेम्स रो षष्ठ दिन रे भारत को रोइंग रु मिली प्रथम स्वर्ण भारत पदक तालिका जोड़ी होई आउ एक स्वर्ण चारजणिया पुरुष टीम इवेंट रे भारत को स्वर्ण पदक मिली या पूर्वर आज नौचलान रे पुरुष टीम को 2 पदक मिली रोइंग रे भारत को मिली सफलता षष्ठ दिन में रोइंग में भारत को मिली प्रथम पदक दुष्यंत चौहान रोइंग मेन्स लाइटवेट सिंगल स्कल्स ब्रोंज जीति पदक सह भारत पदक संख्या 21 पहुंची दुष्यंत भल प्रदर्शन करते तृतीय स्थान में इवेंट शेष करते एशियन गेम्स भारत को आउ एक पदक मिली नौचाला पुरुष टीम जीति ब्रोंज पदक लाइटवेट डबल्स रोहित कुमार भगवान दास ब्रोंज पदक जीति मिसाई भारत पदक संख्या 21 पहुंची इतिमध्यर 5 लेखे स्वर्ण रौप्य और 12 ब्रोंज पदक अच्छी गतका एशियन गेम्स भारत दमदार प्रदर्शन करता पंचम दिन में पुणी चमकी सुटर पुरुष वर्ग सुटिंग डबल ट्रैप्रे सुटर सादोल ब्रिहान रौप्य पदक हासिल करते फाइनाल राउंड में 73 पॉइंट हासिल कर द्वितीय स्थान में रही शार्दुल 15 शार्दुल एशियन गेम्स सुटिंग वर्ग में मेडल हासिल कर देशर तृतीय खेला ट्रेंडपिच टेस्ट भारत विजय सह विराट टेस्ट रैंकिंग में उन्नति होती से पुणी थे हासिल करते टेस्ट रैंकिंग प्रथम स्थान तृतीय टेस्ट में गोटे शतक अर्धशतक हासिल करते विराट विराट 937 पॉइंट पाई टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल करते पूर्व प्रथम टेस्ट रैंकिंग शीर्ष स्थान में हासिल करते तेज द्वितीय टेस्ट में नैराश्यजनक प्रदर्शन पर शीर्ष स्थान हर विराट यह आउ एक विरल रेकर्ड अधिकारी होती विराट विजयी दल अधिनायक भाव 7 200 रु अधिक रन संग्रह कर भारत प्रथम अधिनायक भाव यह रेकर्ड कर विराट पूर्व रेकर्ड ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग और सर डन ब्याडमैन नाँ रही उभय 6 लेखाएं विजय दल अधिनायक भाव 200 रु अधिक रन करते इंग्लैंड विपक्ष तृतीय टेस्ट में प्रथम इनिंग्स 97 रन करता बेले द्वितीय इनिंग्स में 100 पारी खेली चर्चा पृथ्वी सह टीम इंडिया टेस्ट स्क्वाड सामिल होगापर ताब चर्चा जोरदार अल्प बयस टीम इंडिया टेस्ट स्क्वाड सामिल होगापर पृथ्वी को नहीं नाना कल्पना जल्पना प्रकाश पाई सेपटे पृथ्वी को प्रशंसा करते मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर प्रतिभा को 8 बयस चिन्ही पारे मात्र 8 बयस टेक्निक कौन परिवर्तन नकरिबा सचिन तांको परामर्श देते पृथ्वी 19 वर्ष कम विश्वकप विजेता दल अधिनायक थे बलांगीर तुरैकेला पुणि जड़े चाषी को आत्महत्या अभियोग मृत कहले कुलियादोर गाँवर चाषी भगत सगरिया फसल हानि जो गत काली सका से विष पी बलांगीर जिला मुख्य चिकित्सा भर्ती कर अवस्था गुरुतर होव भगत को बुर्ला बड़ मेडिकल ने बाटर तर मृत्यु होबार लोके भगत ऋण कर 10 एकर जमीन कपा चाष करते से प्राय 1 लाख टंकार हाथ उधारी करते एवर्ष वर्षा कम हो कपा चाष ठिक हो ना तेणु भगत कीटनाशक पीते पर लोके आज तर मृत्यु होती दुई दिन तेज तुरैकेला अंचल अन्य जड़े चाषी आत्महत्या कर भुवनेश्वर आरंभ हो बीजेडी महिला शाखार दिनिकिया कार्यकारिणी एवं कर्मशाला बीजेडी कार्यालय में बसी कार्यकारिणी में दलय संगठन निर्वाचन रणनीति आदि प्रसंग में आलोचना हो सबु वर्ष कार्यकारिणी होगक निर्वाचन आसुव यार बे गुरुत्व अच्छे
प्रारंभिक पर्याय दिन गोटाए जाए चली तापर द्वितीय पर्याय अपराह तीनटू आरंभ हो संध्या छटे सर विजु महिला जनता दल राज्य कर्मकर्ता जिला सभापति ब्लॉक और नगर कमिटर कार्यकर्ता बैठक में जोगद एपरिक विजेडर विधायक एवं सांसद जोगद सन्धारे विजेडी सुप्रिमो तथा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जोगद ब्लॉक जिला एवं राज्य कार्यकर्ता उद्बोधन देते माँ भी मान पाखे विजु जनता दल कार्यक्रम नवीन पट्टनायक सरकार कार्यक्रम को पहुँचा जा कार्यक्रम द्वारा नवीन पट्टनायक नेतृत्व को आहरी किभ भाव में सुदृढ़ करोटर मानक केमी आकर्षित हो महिला मान सशक्तिकरण करवा लोक माखक जा सरकार योजना देवा आज विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जहाँ करवर मुख्यमंत्री तार भार महिला विजु जनता दल नहीं से घर घर द्वार द्वार जा महिला मान को बुझाऊँ सहित सब बड़ योजना जहाँ चलो ओडिशा सरकार निजस्व योजना खाद्य सुरक्षा योजना तार मध्य किपर भाव में महिला मैंने उपकृत हो पारे से समस्त आम सजग अच्छू और आज महिला कर्मशाला विषय में आलोचना हो पारे। स्थायी निजुक्ति दाबी से श्रमिकों आंदोलन रायगढ़ जेके पेपर मिलर ठिका कर्मचारी संघ पक्ष आंदोलन कर 14 दफा दाबी ने ठिका कर्मचारी कंपनी सम्मुखें आंदोलन बसिंट बहुसंख्यार महिला और पुरुष श्रमिक निज दाबी ने विक्षोभ प्रदर्शन कर 10 वर्षर अधिक समय धरी कंपनी में काम कर श्रमिकों स्थायी निजुक्त दरमा एवं भत्ता प्रदान दाबी रे ए आंदोलन कर तेबे ने कंपनी कर्तृपक्ष प्रतिक्रिया मिली पारिना 2009-2016 वर्ष पर श्रेष्ठ विधायक एवं विधायिका आज पुरस्कृत प्रदान विधानसभा सम्मेलन कक्ष में यह पुरस्कार वितरण उत्सव अनुषित होचस्पति प्रदीप अमात अध्यक्षत अनुषित होत्सव एथेर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मुख्य अतिथि भाव जोगद श्रेष्ठ विधायक और विधायिका पुरस्कार प्रदान करेंगे। बिल मधे युवती अर्धदग्ध मृतदेह उद्धार अधापड़ा अवस्था युवती मृतदेह मिली एपरी किसी अभावन कांड घटी केन्द्रापड़ा सदर थाना कंसार कांकदिया गाँव में बिलर या एक निर्माणाधीन घरे से गाँव रुक्मिणी स्वाई मृतदेह अधापड़ा अवस्था उद्धार हो मृतदेह निकटने किरोसीन जार पड़ा देखा मिली फल घटना को नहीं बढ़ी सन्देह सदर थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर रुक्मिणी भुवनेश्वर एक कलेज नर्सिंग पढ़ुंट गत काल से घर को फेरी तेरे व्यवहार अस्वाभाविक थी कथा पर लोके जानू कल तो भुवनेश्वर ट्रेनिंग नर्सिंग ट्रेनिंग कल सोम हस्पिटल तर इंटरव्यू इंटरव्यू देखिए घर को आसला आज सका जावा कथा आम देखे खोजाखोज पाइल देख ला धूआं उठे टे से कहल मशा के बोले बारि बाछू जहाँ देख ला बेलू पु ए जो एमती अवस्था क्या कल चारटा आएगा खाई पीला कह मो मुंड रात छतुआ कहला मत छतुआ मुझे छत पी शा अंतराज्य बन्या परिचालना तथ्य आदान प्रदान नहीं आज बुर्लार एक बैठक बस ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जल संपद विभाग अधिकारी स्तरीय बैठक में महानदी जल परिचालना नहीं आलोचना हो विशेषकर हीराकुद ड्याम उत्तर मुंड छत्तीसगढ़ अंचल में वर्षा परिमाण जल निष्कासन सेठाकर ड्याम एवं ब्यारेज जल पतन नहीं तथ्य आदान प्रदान कर बैठक में हीराकुद ड्याम मुख्य जंत्री ड्याम सेफ्टी मुख्य जंत्री आईसी एवं सीडब्ल्यूसी अधिकारी जोगदेवार कार्यक्रम रही सेपरी छत्तीसगढ़ जल संपद विभाग मुख्य जंत्री अधिकरण जंत्री समेत अन्य अधिकारी माने मध्य जोगदेवा नहीं हीराकुद ड्याम मुख्यमंत्री सूचना देते स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी उद्देश्य से आज भुवनेश्वर में बीजेपी पक्षर् आयोजन हो सार्वजनीन और सर्वदल सभा यूनिट 3 प्रदर्शनी पड़िया अपराह आयोजित हो सर्वदल स्मृति सभा एपटे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जोगदेव नहीं मुख्यमंत्री नीतिदिनिया कार्यसूची में स्पष्ट करजेडी कंग्रेस अन्य दल प्रमुख नेता और विधायक जोगदेवार कार्यक्रम रही गत मुख्यमंत्री को नवीन नवास में भेट केन्द्रमंत्री ज्वेल ओराम और बीजेपी नेता समीर महांति निमंत्रण करते विरोधी दल नेता नरसिंह मिश्र को भी भेट निमंत्रण करते गत पुरी महोदद्री वाजपेयी चिताभस्म विसर्जन कर समुद्र ज्वार माड़े पुरी स्वर्गद्वार सम्मुख बेलाभूमि अवक्षय पुरी चैतन्य छकु स्वर्गद्वार बेलाभूमि मध्य प्राय 200 फुट अवक्षय हो समुद्र ज्वार कूल को माड़ आसुव अवस्था हो ज्वारिया समुद्र जो बाली अवक्षय हो अंचल खालुआ हो पड़ कूल पर्यंत पा आसूँ बेलाभूमि सम्मुखे अनेक दोकान को एथपाय दोकानी मैंने स्थानातर कर 2016 अगस्त में एमती ज्वार जो स्वर्गद्वार बेलाभूमि अवक्षय होता माड्रास आईआईटर एक विशेषज्ञ टीम आसी यार अनुधान भी करते तेजिला बिनिका आंदोलन सबू सरकारी अफिस् बंद पर डाकरा दी बिनिका मेडिकल रे डाक्तर पदवी पूरण दाबी से बिनिकावासी पक्षर् आज बिनिकार 12 घंटिया बंद डाकरा दी सुवर्णपुर जिला बिनिका सहर तथा आखपाख डाक्तरखाना स्थायी डाक्तर पदवी पूरण दाबी से सांबादिकों धारणा को समर्थन कर आज अंचलवासी बंद डाकरा दे
ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଏକଦମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏର୍ସମା ବ୍ଲକ କନାଗୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ। ଗାଁର ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ଏବଂ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4-5 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ କିମ୍ବା ପାରାଦୀପ ନିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗାଁରେ 2 କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି। 10 ଟିମ୍ ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇ ଫଳେଇଲେ କଟ ନେଇଗଲେ ଭାଇରେ ସମସ୍ତେ କରିକି ସେଠୁ ରହିଲି। ସେଠି 6-7 କାଳ ରହିଲି। ଏଇଠି ଆସି 8 ଆଜିକି ଆଇଲି। ହଁ, ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରିଲା। ସେଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, 8-9 ହେଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ଜ୍ୱର ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି କଲେ ସେଠୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି 5-7 ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ବି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 108 ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପିଡେମିକ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ଯେଉଁ ସବୁ ମେଜର୍ସ ନେବା କଥା, ଆଣ୍ଟି ଲାର୍ଭାଲ ମେଜର୍ସ, ତାପରେ ମସ୍କିଟୋ ନେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଔଷଧରେ ବୁଡ଼େଇକି ଦେବାଟା, ତାପରେ ଫଗିଙ୍ଗ, ତାପରେ 2 କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ଆୱେର୍ନେସ୍, ଏସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସଫଳତା। ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଚେସ୍ ତାରକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। 10 ବିଶିଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ 7 ହାସଲ କରି ଏହି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିଣିଛନ୍ତି। ପୋଲାଣ୍ଡର ଆଦାମ ଚାକୋସ୍କି 7.5 ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଜର୍ମାନୀର ମିସ୍କୋ 6.5 ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2013 ସର୍ବିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ଦର୍ପନ ଭନାନୀ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ପରେ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 3-4 ଯାଏଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 26 ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର, ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗତ 24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 5.1 ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଉପରେ 5+ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେଟା ପଡ଼ିବନି। କେରଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍। ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ 122 କର୍ମଚାରୀ ଫେରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ଅବଶିଷ୍ଟ 123 କର୍ମଚାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ। ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବନ୍ୟାରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରାୟ 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଶଂସା ବି ଗୋଟେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି।